हेलो गाइस, तो आज का हमारा मेन काम है इन प्लांट्स की रिपोर्टिंग करना। ये 25 प्लांट्स हैं, तो पॉट वगैरह मैंने रेडी कर लिए हैं, सारा सॉइल मिक्सचर वगैरह डाल के तो प्लांट्स बाहर से लेके आते हैं। इसमें पालक लगाया है, इनकी होगी रिपोर्टिंग। और ये वाली कर दी है इनमें, इधर ये वाले भी हो गए हैं। चलो देखते हैं इनके साइज के हिसाब से, कई 12 इंचेस पॉट हैं, कई 10 इंचेस पॉट हैं, तो देख लेते हैं किस किस में करनी पड़ेगी किस हिसाब से। ये तो सारे इंडोर प्लांट्स हैं, तो इनको तो छोटे पॉट में लगाएंगे। ये भी इंडोर प्लांट है, बहुत ही प्यारा। ये हेज के वे में है, और कैसे भी इसकी शेप बना सकते हैं, तो इसको भी बड़े पॉट में करती हूँ। काफ़ी अच्छे कलर्स निकल के आते हैं इसके। ये डायरेक्ट सनलाइट का प्लांट है, जितनी सनलाइट मिलेगी उतनी अच्छी लीव्स में इसके वेरिएशंस आते हैं। ये अपराजिता को भी रात को मैंने किया है, तो इसके रूट्स दिख रही हैं, बस इसकी रूट्स को ढकना पड़ेगा, दिखने लगती हैं पानी डालने के बाद। और ये वाला प्लांट भी कल ही रिपोर्ट किया है, ये भी। और इधर ये पोटैटो वाइन ऑर्नामेंटल है, इसमें भी कई कलर्स आते हैं। ये ग्रीन लेके आई हूँ, और एक दूसरा होता है ये काफ़ी डार्क सा पर्पल शेड होता है, वो भी है। और इस वाइन का मुझे नाम नहीं पता, बहुत ही अच्छी ऑर्नामेंटल लीव्स है इसकी, ऊपर से ग्रीन और नीचे से फ्लावर की तरह पिंकिश वाइट ऐसे निकलती हैं। और देखो रेड पॉट में कितनी अच्छी लग रही है। जैस्मिन प्लांट की भी रिपोर्टिंग हो गई है, कोलियस की भी हो गई है, और एरेंथमम की हो गई है। और ये हॉर्स हेड प्लांट फिलेंड्रम, ये रूट्स कैसे निकल रहे हैं। इस प्लांट के फ्लावर्स भी निकलते हैं, बहुत ही अच्छा प्लांट है ये। और इधर है ये फाइकस, और ये इसके साथ ही मॉन्स्टेरा प्लांट, इसका अलग पॉट भी है और इसके साथ भी है, ये पॉट अलग है। देखिए कितनी अच्छी नोड्स निकल रही हैं इसकी। और सिंगोनियम का तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ हुई है, बहुत ही लीव्स का प्यारा कलर। एरी लूट्स इसके भी बहुत ज़्यादा हैं। ये भी मॉन्स्टेरा प्लांट है, एक और है सिंगोनियम पिंकिश शेड में, कितना प्यारा है। और इधर है टेंगल हार्ट, पीस लिली, और ये हरिका पाम, काफ़ी अच्छी ग्रोथ में है ये। और इधर हिबिकस, ये की कटिंग से लगाए हुए हैं सारे। ये क्रोटोन है, क्रोटोन की भी 3-4 वैरायटीज हैं। और ये पर्पल हार्ट जिसमें पिंकिश फ्लावर्स निकलते हैं, पिटूनिया। और ये कॉक्सकॉम जिसकी फ्लावरिंग स्टेज पे आ गया, ये 2 वैरायटीज हैं, एक ऐसे काफ़ी ब्रॉड में है और एक काफ़ी जो लंबे फ्लावर्स निकलते हैं वो वाले हैं। इसी में खलीफा प्लांट थे, और ये भी सैकुलेंट हैं, इसके नाम मैं भूल गई हूँ फिलहाल। ये जेड प्लांट है, काफ़ी अच्छे से चल रहा है, जितने भी कटिंग्स लगाई थी जेड की सारी चल गई हैं। और इसका बनाना है बंजाए मीन्स जो मदर प्लांट है। और ये जी रेड फाउंटेन ग्रास ऑर्नामेंटल, कितने अच्छे प्लूम्स निकल रहे हैं। ये फिर अगेन रिका पाम,
और इधर हमेलिया धूप में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग कर रही है। और इसके अंदर ही है रोज़ प्लांट जो भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, क्योंकि ये तो सीजनली हैं, थोड़े टाइम के बाद इनको तो कट ऑफ करना पड़ेगा, इसमें रोज़ चल जाएगा। और ये है कैना लिली। और इधर है मदर ऑफ थाउजेंड, मदर ऑफ मिलियंस कलेंचो के प्लांट, और प्लमूरिया, ये दोनों कटिंग से लगाए हुए हैं, चंपा दोनों ही कटिंग से हैं। देखिए इसकी प्लांटलेट्स, इसमें तीन चार वैरायटीज हैं क्लांचों के, और इसमें न्यू लीव्स निकलती जा रही हैं। ये है ड्रेसिना, और ये अगेन चंपा। तो वो जो जो प्लांट्स की रह गई है उनको हम रिपोर्ट कर लेते हैं अभी। एक ये रह गया जीजी प्लांट, ब्लैकिश, वैसे छोटे पॉट में भी चल जाना था, चलो छोटे हैं नहीं, बड़े हैं पॉट्स मेरे पास। और इसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर देते हैं। ये है सुख शांति प्लांट, इसको एक बड़ा पॉट चाहिए, इसमें कर देते हैं। और उनमें से देख लेते हैं। ओके गाइस, इनको सभी को अब स्टार्ट करने लगे हैं रिपोर्टिंग इनकी। और ये भी काफ़ी अच्छा सा प्लांट है, इसको तो पॉट काफ़ी बड़ा चाहिए, क्योंकि ये क्लाइंबर है, वाइन है, तो जितनी इसको सरफेस मिलेगा, मिट्टी मिलेगी, खुला पॉट, उतनी ये ग्रोथ करेगा। पॉली बैग में इतने अच्छे लग नहीं रहे हैं, लेकिन रेड पॉट में, इस बार प्लास्टिक पॉट मैंने यूज़ किए हैं, तो इसमें काफ़ी अच्छा कंट्रास्ट बन रहा है सभी प्लांट्स का। तो इसकी एक लीफ थोड़ी सी ख़राब हुई हुई है, उसको मैं कट कर देती हूँ, लेकिन ग्रोथ कर रहा है, न्यू लीव्स इसकी निकल रही हैं। तो नर्सरी में इतना अच्छा नहीं चल रहा है, जैसे ही घर में इसकी प्रॉपर केयर होगी तो काफ़ी अच्छा चलेगा ये प्लांट। तो सबसे पहले इस प्लांट को स्टार्ट करते हैं, सुख चैन। तो पॉलीबैग तो काफ़ी छोटा है, तो इसमें ना इसकी ग्रोथ भी नहीं हो रही थी इतनी, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई इसकी। ये काफ़ी बड़ा पॉट मिलने जा रहा है इसको, 12 इंचिस का। तो सोइल मिक्सर भी अच्छा है, कंपोस्ट वगैरह डाली हुई, खाद वगैरह सारी। तो देखिए रूटिंग बीच बीच में घूम रही है, रूट को ना फैलने की जगह नहीं मिल रही थी। लेकिन सॉइल अच्छी है इसकी, इसी वजह से प्लांट अच्छे चल रहे हैं। देखिए बिल्कुल गीली नहीं है, ऐसे भुरभुरी मिट्टी है पूरी। तो जब भी मैं प्लांट्स लगाती हूँ, मैं ये मिट्टी निकाल देती हूँ जो उसकी रूट्स के साथ होती है, ये रूट्स को काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिले। बहुत ही अच्छी फ्रेश फ्रेश लीव्स हैं उसके। और पता चलता है कितनी लेंथी लीव्स हैं, देखिए रूट्स, तो इनको नीचे से थोड़ा सा कट ऑफ कर देते हैं इतने। कट ऑफ कर दिए इतने, और ये वाला लगा लेते हैं। थोड़ी सोइल और डालनी पड़ेगी इसमें, तो थोड़ी सोइल हमने पॉट में और डाल ली है। लगा देते हैं इसे,
इसे भी डायरेक्ट सनलाइट में हम प्लांट को रख सकते हैं। रूट्स काफी ऊपर रहेगी, एक मिनट थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा। एक बार पानी से पूरा भर देंगे, थोड़ा टाइम इसको शेडेड एरिया में रख लेंगे आज का दिन और कल से, मतलब कि पूरा दिन सनलाइट नहीं तो 3-4 घंटे की सनलाइट चाहिए और ब्राइट लाइट चाहिए। इंडोर प्लांट नहीं है ये, और ये आउटडोर प्लांट है, सनलाइट का प्लांट है ये। ओके गाइस, इसकी ऑलमोस्ट रिपोर्टिंग हो गई है, काफ़ी अच्छा सरफेस मिल गया इसे। वैसे एक बार इसे पूरा पानी से भर देना है, फिर कल चेक कर लेंगे, अगर पानी की ज़रूरत इसे हुई तो देंगे, अदरवाइज नहीं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ओके गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और टाइमली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। और मिलते हैं और वीडियोस के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।